करते रहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, ये तो सहज होता रहे, सहज पके सो मीठा हो, ये सब परिवर्तन होते रहेंगे, फिर भी कोई चुनाव नहीं रहेगा। ज्ञानी के अंदर कोई चुनाव नहीं रहता कि ये हो या ये ना हो, शरीर रहे या ना रहे, मन ऐसा रहे या मन वैसा रहे, कर्म ये हो या वो हो, सब कुछ सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। करना बाकी उसी को है जिसके अंदर अज्ञान है, जिसके अंदर अभी चुनाव है, और अज्ञान के कारण चुनाव है कि ये हो ये ना हो ऐसा ना हो, ये चुनाव अज्ञानता के कारण है। इसलिए ज्ञान के बाद आपका आत्मा न घटेगा न बढ़ेगा, न कहीं से लौटाना है न भेजना है, मन कहीं जाता है कहीं से लौटाना पड़ता है, आत्मा व्यापक है, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपाची ने मिटे न भ्रम की काई, अपने आप को पहचाने तो क्या पहचानेंगे, हम यहाँ बैठे हैं, ये अपने आप की पहचान है कि मैं यहाँ बैठा हूं, अब मेरा ध्यान फला जगह है, ये ध्यान है, मैं किस चक्र में जाऊं, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा क्या चीज है। इसलिए आत्मा ध्यान का मतलब मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं, मैं भीतर भी बाहर भी, इस बाहर भीतर रहने वाले आत्मा को, चेतन को, कुछ लोग बाहर समझते हैं सत्य, मेरे भीतर नहीं, कुछ मेरे भीतर समझते हैं, ध्यान करते हैं, हम भी करते हैं, खंडन नहीं करना है, साधन है, पहले तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, ध्यान का, कर्म का, एकाग्रता का, जाप का, लेकिन बाद में जाप मरे अजपा मरे। कई संतों से तो ये भी सुना, भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली भला है, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए, अर्थात कुछ करना बाकी नहीं रहता, ध्यान भी स्मरण भी ये करना पड़ेगा, पर यदि ये भी करना पड़े तो ये भी एक समस्या होगी, फिर कहोगे नींद में स्मरण नहीं रहता, फला समय पर स्मरण नहीं रहता, एक बार जान लिया तो काम खत्म, करते रहना नहीं है, ये वो दिया नहीं है जो बार बार बुझ जाता है फिर जलाना पड़ता है, फिर बुझ जाता है फिर जलाना पड़ता है, ये भी एक अवस्था है जब बार बार ध्यान खो जाता है फिर पैदा करना, फिर ध्यान लाना, अंत में एक अवस्था होती है कि ध्यान के बाहर कुछ है ही नहीं, क्या लाना क्या हटाना, क्या रखना क्या मिटाना, फिर उसको कोई पाने का लोभ नहीं रह जाता, कुछ खो जाने का भय नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी को भय नहीं है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उस ज्ञान के लिए हमारे गुरुओं ने प्रयास किया, उनको तो कोई कमी थी ही नहीं, उन्होंने तो हमारे लिए वाणी बोली, वाणी वो तो समझ गए, अब उन्हें वाणी की क्या जरूरत, हमेशा वाणी दूसरे के लिए बोलनी पड़ती है। कभी आप दूसरों को अभी लौकिक रूप में भी बोलते हो कि वहां से वो ले आओ, वहां से ये ले जाओ, ये ऐसा करो, हमें खुद करना हो तो हमें बोलने की क्या जरूरत, हमें लोटा चाहिए उठ के ले लेंगे, हमें कहीं जाना है चले जाएंगे, क्यों हम कहेंगे कि वहां चले जाओ, ये तो दूसरे के लिए, ये जो बैखरी वाणी है वो दूसरे के लिए है, अपने लिए तो परा वाणी है। चार वाणी होती है, बैखरी पश्यंत, बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, परा वाणी अपने लिए। जब आप अपनी परा वाणी से बोलेंगे मैं शांत हूं, मैं मुक्त हूं, मैं निराकार हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं बाहर और भीतर हूं, ये बोलने का मतलब हूं तो बोलना, मैं हूं नहीं तो बोलना, मैं जानता हूं बैठा हूं अब बोलूं सब जगह हूं, मैं जानता हूं कि आदमी हूं मर जाऊंगा अब बोलूं कि मैं नहीं मरने वाला हूं, ते झूठ वाणी हो गई। सत्य वाणी परा वाणी है, जब मैं जानता हूं कि हाँ ये मन परिवर्तनशील है,
मैं इसका साक्षी हूं। ये औरों को नहीं बोलना, मुझे स्वयं मेरे अंदर से ये वाणी पैदा हो, मेरे अनुभव से ये वाणी पैदा हो कि मैं साक्षी हूं। गुरु की वाणी सुने, हमने सुना है सीप में स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो मोती बन जाता है। ऐसे गुरु वाणी हमारे कान से गई अंदर, और अंदर जाकर वो वाणी अर्थ बन गई, वाणी सत्य बन गई, वाणी ने ब्रह्म अनुभव करा दिया। इसलिए वाणी ही जैसे सीप में स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़े तो मोती बनता है, गज में पड़े तो मुक्ता बनता है। तो इसी तरह से वाणी अंदर जाकर जिज्ञासु के अंदर ज्ञान बन जाती है, अनुभव बन जाती है। वो सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो एक अनुभव है। इसलिए वाणी के द्वारा शब्द का जब अर्थ होगा, शब्द में खोज लेंगे तो साधक बन जाएंगे, हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। हम आपके सामने ध्यान की दृष्टि से आए हैं, क्योंकि शुरू में जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हम नहीं समझ सकेंगे। यद्यपि फिर एक बार दोहरा दूं, करना करना ज्ञान के लिए है, साधन ज्ञान के लिए है, अभ्यास ज्ञान के लिए है, सुमिरन भी ज्ञान के लिए है। करते करते एक दिन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव अपरोक्ष, जैसे हमने स्वप्न स्वयं देखा है और स्वप्न का अंत भी हमने देख लिया। सोना किसे बोलते हैं? अभी हम एक शब्द सुनते आ रहे थे कि सो जा, सोना किसे कहते हैं? जिसमें सत्य दिखाई ना पड़े, सत्य का पता न रहे, उसे सोना कहते हैं। और स्वप्न किसे कहते हैं? सत्य के पता न रहने पर जो सत्य की तरह दिखने लग जाए उसे स्वप्न कहते हैं। तभी हम सुन रहे थे कि हमें नींद क्यों आ गई श्याम, हमें नींद क्यों आई। तो ये तो मैं अभी नहीं, पर नींद आई, और नींद आई तो फिर नींद खुलती क्यों नहीं? स्वप्न से तो नींद खुल जाती है। तो इसलिए नहीं खुलती कि हमको स्वप्न में रखने वाली बहुत समस्याएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमको संसार दिखाते रहते हैं, ये हमें दुनिया दिखाते रहते हैं, सुख का लालच दिखाते रहते हैं, इसलिए हम जागते नहीं, स्वप्न के ही काम में लगे रहते हैं। स्वप्न में पाने में, स्वप्न में बचने में, सुखी होने में सारी शक्ति लगती, पर फिर भी मैं क्या कहूं प्रकृति को, परमात्मा की कृपा को, कि कितना तुम स्वप्न में फंसे हो। एक आदमी भी दुनिया का नहीं ढूंढ सकते जो स्वप्नों में फंसा रहे, जगे नहीं, वो तो भगवान की प्रकृति की कृपा है। नहीं, स्वप्न में इतना हम बिजी थे, या तो लड़ने में, या भागने में, या पाने में, सुरक्षा में, सारी शक्ति लगी थी, पर नींद खुल गई मेरी इच्छा से नहीं, मेरी साधना से नहीं, परमात्मा की कृपा से नींद खुल गई। पर यहां भी हम काम के द्वारा सुख पाने में, लोभ से सुख पाने में, मान पाने में, लाभ में बिजी रहते हैं, और भूले किसको रहते हैं? परमात्मा को, जो सत्य है, जो पूर्ण है, जो बाहर भीतर है, जो सब में समाया, उसको भूले और व्यक्ति बन गए। वही चैतन्य, वही चेतन व्यक्ति बन गया, जो यूनिवर्सल है वो इंडिविजुअल बन गया, व्यक्ति बन गया। अब ये स्वप्न देख रहा है, यहां नींद का अर्थ है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि गहरी नींद में तो हमको कोई सता भी नहीं सकता। ये जो पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ, ये हमको स्वप्न में तो हो सकते हैं, गहरी नींद में नहीं हो सकते। इसीलिए नींद की दो दशाएं हैं, जिसमें सत्य भूल जाए और काल्पनिक जगत दिखने लग जाए। ऐसे ही हम सत्य को तो भूल गए, सत्य को भूल गए और जगत देखने लगे, अविनाशी को भूल गए, नाशी देखने लगे, और नाशी देखकर अविनाशी होने की कोशिश करने लगे। हम सुख स्वरूप को, जो आनंद भंडार है, उसे भूल गए और सुख पाने के लिए लगे रहे।